हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एस्केबिन लोशन के बारे में, या फिर गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड सिट्रीमाइड लोशन के यूजेस, साइड इफेक्ट्स, एप्लीकेशन और बेनिफिट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट केयर और मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर एक नई वीडियोस के टच में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए लास्ट तक बिना वीडियो को स्किप किए। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड सिट्रीमाइड लोशन को एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। फंगल इन्फेक्शन में दाद, खाज, खुजली, और इसका उपयोग मेनली स्केबिस में भी किया जाता है, जिसमें पूरे शरीर में दाने टाइप निशान बन जाते हैं या फिर लाल घेरे हो टाइप हो जाते हैं और इस पर खुजली आती हो। स्केबिन का उपयोग सूखी त्वचा पर खुजली आना या फिर त्वचा पर गमोरिया या फिर स्किन पर अन्य एलर्जी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह लोशन एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जो कि स्केबिस को ट्रीट करती है। जहाँ पर छोटे कीट इरिटेट या संक्रमण को फैला रहे होते हैं, वहाँ पर स्केबिन लोशन उन कीट के घुन और अंडों को किल करने का काम करता है। जनरली इस दवाई को फेस को छोड़कर पूरी बॉडी पर लगाया जा सकता है। वैसे एक बार लगाने से स्केबिस पूरी तरह से क्योर हो जाता है। अगर एक बार लगाने से ना हो तो इसको दो बार यूज किया जाता है। वैसे एक बार अप्लाई करना इनफ होता है। अब हम बात करते हैं स्केबिन लोशन को अप्लाई करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखे गए, जैसे कि हेयर लॉस हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं, रैश हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, कन्वल्जन भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है और ड्राई स्किन भी हो सकती है। अगर हम बात करें स्केबिन लोशन को एप्लीकेशन करने के तरीके या फिर इसको अफेक्टेड एरिया पर कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें। आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता देंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है और कब कब अप्लाई करना है। इसका यूज़ फॉर एक्सटर्नल ओनली, मतलब इसको एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कोई घाव हो उस पर इस दवाई को नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस दवाई को किसी अन्य पर्सन को लगा रहे हैं तो आप हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी अफेक्टेड एरिया से टच ना हो सके। तो फ्रेंड्स, ये थी गामा बेंजीन लोशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसी प्रकार से किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उस पर भी वीडियो बना सकें।